मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली एक स्पेशल पाउडर की रेसिपी, जिसे इडली पोड़ी, चटनी पाउडर या गन पाउडर भी कहते हैं। इसे स्पेशली डोसा और इडली को तवा फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये है सूखा नारियल, आधे से थोड़ा सा कम है। एक करिया पत्ती की स्ट्रिप, 2 स्पून चना दाल, 2 स्पून उड़द दाल, 2 स्पून खड़ा धनिया, 1 स्पून जीरा, इसे फुटाने या दाल दलिया भी कहते हैं, ये 3 टीस्पून है। तिल्ली 3 टीस्पून है, आधा स्पून काली मिर्च और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अब बारी बारी से मैं सबको भूनूंगी। उसके लिए मैंने रखा है कढ़ाई, जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है चना दाल और उड़द दाल। डाल के मैं इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करूंगी। ड्राई रोस्ट करके फिर मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट में। इडली पाउडर को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कोई गन पाउडर बोलता है तो कोई चटनी पाउडर बोलता है, कोई इडली पोड़ी, कोई कारम पोड़ी, बट सबके इंग्रेडिएंट सेम है और बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई ऑयल में रोस्ट करता है, कोई ड्राई रोस्ट करता है। अभी मैंने नारियल को भून लिया था, नारियल को भून के अभी मैं भून रही हूँ तिल्ली। यहाँ पे मैंने सूखा नारियल यूज़ किया, आप चाहो तो खोबरे का जो पाउडर होता है, ग्रेटेड कोकोनट ड्राई वाला, वो भी यूज़ कर सकते हो। वो यूज़ करोगे तो आप 2 स्पून उसको भी यूज़ कर लेना, फिर उसको भूनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तिल्ली भून गया है, मैंने तिल्ली को निकाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ खड़ा धनिया। खड़ा धनिया डाल के मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं बाकी सारे मसाले डालूंगी। अभी मैं डाल रही हूँ सूखा लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च मिले तो बेस्ट है, नहीं तो नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने डाला काली मिर्च आधी स्पून और करिया पत्ती का एक स्ट्रिप। सूखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, अगर ज़्यादा डालोगे तो तीखा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें काली मिर्च भी डाल रहे हैं। अब मैंने डाला है फुटाने या दाल दलिया। डाल के मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो एक पिंच हल्दी भी डाल सकते हो कलर के लिए, या ग्राइंड करते समय डाल लेना। अभी जैसे ही मैंने करिया पत्ती चेक किया है तो वो क्रिस्प नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। अब मैं डाली हूँ नमक। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आप अभी भी डाल सकते हो या डायरेक्ट ग्राइंड करते समय भी डाल सकते हो। अब सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसको निकालूंगी। इसमें डालूंगी हींग। हींग से एक स्पेशल फ्लेवर आता है, हींग कंपलसरी है। अब मैं इनको भून ली हूँ, ये हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में। निकाल के मैं इसको अच्छे से ठंडा करके पाउडर बनाऊंगी। अगर गर्म रहेगा तो तिल्ली और जो खोबरा है वो थोड़ा सा तेल छोड़ेगा और पाउडर में नमी आएगा। मैंने उनको अच्छे से ठंडा करके एकदम ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। आप देख सकते हैं ये एकदम फाइन पाउडर है। अब हमारा गन पाउडर या इडली पोड़ी, चटनी पाउडर बन के रेडी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में। उसके बाद मैं इसको स्टोर करके रखूँगी एक ड्राई बॉटल में। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। अब मैं आपको डोसा और इडली भी बना के दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने तवे पे डोसे का बैटर डाला है, वैसे ही जैसे हम लोग रेगुलर डोसा बनाते हैं। जैसे डोसा गर्म हो गया मैंने इसके ऊपर बटर डाला है, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। जैसे बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया उसको मैंने स्प्रेड किया है डोसे के ऊपर। अब मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर गन पाउडर या इडली पाउडर या चटनी पाउडर। उसके बाद मैंने डाला है धनिया पत्ती और थोड़ा सा प्याज। बस हमारा डोसा बन गया है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है, इसके लिए चटनी सांभर कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं बना रही हूँ इडली। इडली भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने डाला है बटर। बटर जैसे मेल्ट हो गया इसमें मैंने डाला है 2 स्पून चटनी पाउडर। इसको हमें भूनना नहीं है, जस्ट उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद इसके ऊपर इसको फैलाना है, फैला के इसके ऊपर हम लोग रखेंगे इडली। इडली जितना आएगा उतना आप डाल लेना एक बार में। इडली डाल के अब हम लोग को इसको पलटते हुए ऊपर नीचे ऐसे प्रेस करते हुए अच्छे से सेकना है, रोस्ट करना है। ऐसे करने से इडली ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बहुत बढ़िया लगता है। बस इडली भी बन गया है। ये गन पाउडर सिर्फ इडली या डोसा में नहीं, पराठे चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये तवा फ्राई इडली स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आता है। इडली पाउडर और गन पाउडर रेडी हो तो बहुत जल्दी भी बनता है तवा फ्राई इडली और डोसा। आप भी इसे बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।